आज का धरना जो है, आप सबका स्वागत है। आज का धरना जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 तक हर जिले में इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा। और हमें जो है उसके तहत 19 तारीख को जो आज का दिन था मिला था, उस धरने को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार जो केंद्र में कार्य कर रही है, जिस तरह उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है, जिस तरह उन्होंने संसद सदस्य के खिलाफ से पहले ही उनको यहाँ से हटा दिया, इससे पता लगता है कि वो तानाशाही के ऊपर काम कर रही है और तानाशाह बने हुए हैं। और देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। नौजवानों की रोटी के लिए कोई चर्चा नहीं करते हैं, किसानों के उत्थान के लिए कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात रखेंगे कि सिर्फ वो कौन है। आज देश में भाजपा की सरकार कहाँ कहीं भी नहीं है, सिर्फ ईडी और सीबीआई जो है वो सरकार बनी हुई है। और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में नहीं आती है वो सरकार के नीचे काम करती है। और वो आज जहाँ भी कोई कांग्रेस कार्यकर्ता है या अपोजिशन का कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसके लिए वो सीबीआई और सीबीआई और ईडी आ जाती है, चाहे काम हो ना हो। और वो उनको एकदम गिरफ्तार करेंगे, चर्चा करेंगे, ये भी चोर है, वो भी चोर है। अरे भाई, मोदी कहाँ से शरीफ है जिसने 35,126 हाथ के बदले 35 हाथ लेके आया रफेल के, उसी पैसे से। वो कहते हैं मैं हम ईमानदार हैं। जब वो कहते थे, हम सरकार में पूछते थे कि भाई आप इसकी पूरी जानकारी दो, जेपीसी बताओ, तो जेपीसी बिठाई। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो हमें कहते थे कि ये सुरक्षा का मामला है, लेकिन कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फाइल गायब आई गई। अपोजिशन को जवाब देना सरकार का काम, लोकतंत्र में अपोजिशन भी चाहिए, सरकार भी चाहिए। लेकिन सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, सरकार से कोई सवाल पूछे तो वो चोर है। और सरकार के साथ जो चला गया वो उनसे भी बड़ा हरिश्चंद्र है। ऐसे कई उदाहरण है, चाहे असम का मुख्यमंत्री है, दूसरे जितने भी उनके साथ मिले, उनके साथ ये देश जो है लूटा जा रहा है। कुछ आदमियों को सरकारों के द्वारा कुछ आदमियों को पनाह दे रही है, और जो आवाज उठाते हैं लोकतंत्र में गरीबों के हक में, उनकी सदस्यता छीनी जाती है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने देश को आजादी के लिए आजाद कराया है, वो आज के इंग्लैंड से नहीं कराया है। जो दुनिया थी वो उनके अधीन थी, टू थर्ड जो दुनिया थी वो उनके अधीन थी उस वक्त। अगर हमने आवाज उठाई है और आज हम इसके सक्षम हैं कि अगर इनकी जो तानाशाही चलेगी, कांग्रेस और भी ऊपर प्रदर्शन करेगी। हाँ, गुमराह करने की वो अपनी जो बात है वो कहें तो अच्छा है। उन्हें 2014 को गुमराह किया कि हर आदमी को 15 लाख देंगे, 2,000 करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़ हर साल नौकरियाँ देंगे। वो बताएं कि आपने क्या किया उसके लिए। हम तो उनकी नौकरियों के और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार को बने तो 3 महीने हुए हैं। जो भी इसका वादा हमने कहा था कि सबसे पहले करेंगे, उन्होंने सबसे पहले किया। उसके बाद औरतों के लिए हम पैसे देंगे, 1500 रुपया देंगे, तो हमने उनको दिए। पहले शुरू किया जो हमने 2.5 लाख औरतें थी, जो पहले 1200 या 1100 रुपये उनको मिलता था, 1000 रुपया हमने उनको 1500 के साथ मिलाया। और आने वाले कल में जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सर। सरकार जो 5 साल के लिए